नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 144 याचिकाएं सुनवाई की सूची में हैं। ज्यादातर याचिकाओं में सीएए का विरोध किया गया है। 17 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से मना किया था। कोर्ट ने सरकार से याचिकाओं पर जवाब मांगते हुए कहा था कि जनवरी में मामले की विस्तार से सुनवाई होगी, तभी कोई आदेश दिया जाएगा। इस मामले में चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना के सामने जो है चुनौती है। तो आपको बता दें कि सीपीएम कांग्रेस नेता जयराम रमेश, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस नेता, इसके अलावा केरल सरकार ने भी याचिका दाखिल की है, उस पर भी आज सुनवाई हो सकती है। इन सभी याचिकाओं में संसद के पास नए कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया है। इनमें कहा गया है कि अनुच्छेद 14 के तहत हर व्यक्ति को कानून की नजर में समानता का मौलिक अधिकार हासिल है और ऐसे में इस कानून के जरिए धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है।